कंप्यूटर एनालिसिस में मुता के पढ़ा पे तो डेटाबेस जा मुख्तलिफ किस्म जा फॉर्मेट्स डिज़ाइन करने के लिए हम जो है इसके पी एफ टी के एडिटर्स को करते हैं मॉडिफाई, कि इसका जो प्रिंट फॉर्मेट्स हैं इस प्रिंट फॉर्मेट्स को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आउटपुट का फॉर्मेट बना रहा हूँ ये एम एस वर्ड के अंदर, ये पूरा एम एस वर्ड में उठाया हुआ, ये एम एस वर्ड में एक फॉर्मेट उठाया तो ठीक है, ये एम एस वर्ड है। अब एम एस वर्ड में किस का मैंने फॉर्मेट बना रहा हूँ, जैसे आप चाहते हैं कि इस तरीके से एक स्क्रीन पर आथर लिखा हो, फिर आथर के सामने बिल्कुल जो है आथर की वैल्यू आए। इस तरीके से आपका टाइटल लिखा हो फिर टाइटल की वैल्यू अचन, ठीक है, इस तरीके से सब्जेक्ट लिखा हो फिर सब्जेक्ट्स की जो है वैल्यू आए। ऐसे आई एस बी एन लिखा हो फिर यहाँ पर आई एस बी एन नंबर की वैल्यू अच्छी आने, ठीक है सच। इस तरीके की इस तरीके का आउटपुट जनरेट करने के लिए हम विनाइसिस की पी एफ टी को करते हैं मॉडिफाई। वो मॉडिफाई करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है सर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आथर, तो दिस वैल्यू इस कॉल द कमेंट्स या कांस्टेंट वैल्यू, कि जब भी हम रिकॉर्ड्स को मॉडिफाई करेंगे चेंज करेंगे कि ये वाली वैल्यूज जो है रिकॉर्ड के साथ चेंज होंगी लेकिन ये वाली वैल्यूज जो है अनचेंज रहेंगी हमेशा के लिए। हम रिकॉर्ड वन पे रहें तो ये वैल्यू आए, टू पे आएंगे तो वैल्यू चेंज होगी, थ्री पे आए तो वैल्यू चेंज होगी, इस तरीके से आपकी वैल्यू जो है उतेंगी। तो वो इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे आथर, तो कमेंट्स को प्रिंट करने के लिए ये काम कराते हैं लिटरस, लिटरस को प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर ऐसे आथर। ठीक है, बड़ा स्क्रीन नजर समझ गया फोन बड़ा क्या, ठीक है डबल आखर है, ठीक है ऐसे आथर लिखा हुआ है क्वेश्चन ओवर, फिर कामा के बाद फिर ये आपकी आथर की वैल्यू, आथर हम लिखते हैं 100 के अंदर, तो हमने यहाँ लिखा वी 100 सफीड ए, सफीड ए में आथर का नाम आता है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा स्टेटमेंट ख़त्म हो रही है, नेक्स्ट लाइन पर लिखा हुआ है टाइटल, तो अब नेक्स्ट लाइन के लिए हम लिखते हैं स्लेश, फिर दोबारा से यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल, तो टाइटल हम लिखते हैं एज ए कमेंट के तौर पर, तो डबल क्वेश्चन मार्क्स में लिखा टाइटल इस तरीके से पी 245 सब फील्ड ए। ठीक है, मैंने टाइटल यहाँ पर लिखा, फिर टाइटल के बाद फिर नेक्स्ट लाइन शुरू हो रही है, नेक्स्ट लाइन के लिए मैं यूज करते हैं स्लैश। ठीक है, स्लैश के बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को मैंने डबल क्वेश्चन मार्क में से टाइप किया, फिर कामा, सब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं टेक नंबर 650 सब फील्ड ए। ठीक है, ये हम सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन पर यहाँ ख़त्म हो रही है, नेक्स्ट लाइन पर हम लिखते हैं स्लैश, लिखा हुआ है यहाँ पर आई एस बी एन नंबर, तो डबल क्वेश्चन मार्क में आई एस बी एन नंबर लिखा मैंने, क्वेश्चन ओवर, कामा वैल्यू ऑफ 650 सब फील्ड ए। ठीक है, ये आपका आई एस बी एन नंबर वैल्यू ऑफ 020 सब फील्ड ए। ठीक है, यहाँ तक मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शंस जो है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, वो आपके विनाइसिस के अंदर ये जो इसका प्रिंट एडिटर्स है इसको मैंने स्प्लिट किया और यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शंस पेस्ट की। ठीक है, तो स्क्रीन पर यहाँ पर सिर्फ आथर लिखा हुआ है, जब मैं इसकी फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़े कर दूँ ताकि सबको नज़र आ सके। ठीक है, यहाँ पर सर आफ्टर लिखा हुआ है, अब ये इंस्ट्रक्शन मैंने लिखकर
जब यहाँ से मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आपके सामने ये आथर लिखा हुआ है, फिर आथर के साथ उसकी वैल्यू, टाइटल लिखा हुआ है टाइटल की वैल्यू, सब्जेक्ट लिखा हुआ है सब्जेक्ट की वैल्यू, आईएसबीएन नंबर लिखा हुआ है आईएसबीएन की वैल्यू। अब रिकॉर्ड्स को मैं जब फर्स्ट पर हूँ, सेकेंड को मूव करूँगा, थर्ड को करूँगा, तो ये आथर टाइटल सब्जेक्ट आईएसबीएन नंबर ये एज इट लिखा हुआ है, लेकिन इसकी वैल्यूज जो है आपको चेंज हो रही है। ठीक है, ये आथर आपका चेंज हो गया, ये आपका आथर चेंज हो गया, तो ये कहलाते हैं आपके लिटरल्स कहलाते हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू कहलाती है, जिनको स्क्रीन पर प्रिंट करवाने के लिए हम हमेशा डबल क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये आप वैल्यूज लिखी हुई हैं, अब ये वैल्यूज जो है आगे पीछे हो रही हैं, एक सीक्वेंस में नहीं आ रही, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक सीक्वेंस से वैल्यूज लिखी थी, इसी सीक्वेंस में वैल्यूज को लिखने के लिए विनाइसिस के अंदर कमांड यूज होती है टैब की, कि हमने इस वैल्यूज के बाद एक किस्म का टैब इस्तेमाल किया, जैसे कंप्यूटर में टैब यूज करते हैं मखसूस किस्म का स्पेस छोड़ने के लिए, तो हम आथर की वैल्यू और 100 के दरमियान एक मखसूस किस्म का स्पेस छोड़ने के लिए हम यूज़ करेंगे टेप और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में इसका 1800, ये नंबर ऑफ पिक्सल्स को शो करता है, 1800 जो है नंबर ऑफ पिक्सल्स को शो करेगा कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर टाइप किया, कॉपी किया इसको, कि यहाँ पर भी मैंने 800 लिखा, फिर टाइटल के बाद फिर मैंने टेप यूज़ किया, फिर 245। ठीक है, यहाँ पर कामा मैंने ना भूल गया, फिर सब्जेक्ट्स लिखा मैंने, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट्स 265 एंड आईएसबीएन नंबर, तो यहाँ पर भी 265। ठीक है, मखसूस किस्म का मैंने टेप जो है इनके दरमियान पुट किया, ताकि एक मखसूस टेप के स्पेस के साथ वैल्यूज पुट हो। तो आप चेक करते हैं कि किस तरीके से इसकी जो रिजल्ट स्क्रीन पर आती है, ये कॉपी करके मैंने यहाँ पर पेस्ट किया डेटा। ठीक है, तो आपके सामने ये एक सीक्वेंस से जो है आपकी डेटा आ गई, कि 18 टेक्स्ट में आथर टाइटल सब्जेक्ट इस तरह आया, और ये वैल्यूज जो है आपकी इस मखसूस स्पेस के साथ स्क्रीन पर डिस्प्ले आ रही है। ठीक, क्लियर बेटा? तो ये टैब कमांड जो है हम यूज़ करते हैं किसी भी मखसूस तरीके के स्पेस को यूज़ कराने के लिए। ठीक है, अब सबके ये जो लिखा हुआ है आपके अखबार वगैरह, अब सपोज मैं आ जाता हूँ कि आरिफ अली भट्टी का कलर जो है ब्लू हो, रेड हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कलर जो है आपका ऐसे ब्लू नज़र आए, ये आपका जो है ये दोनों तरह से, ठीक है, इस तरीके से ऑरेंज कलर में आए, और ये आपका जो है अंडरलाइन हो और बोल्ड भी हो। इस किस्म की फॉर्मेटिंग का आउटपुट चाहते हैं इस डेटा को, ये जो डेटा स्क्रीन पर शो हो रही है, इस डेटा को हमें इस किस्म की कोडिंग में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आथर का कलर जो है रेड है, तो आथर को रेड करने के लिए हम आथर से पहले यूज़ करेंगे कलर का कोड। कलर के लिए हम लिखते हैं CL और कलर का कोड, सपोज कलर का कोड में लिखा 4। ठीक है, मैं CL4 लिखा कलर का कोड। बेटा आवाज कट रही है, बोला चवे चो गुलाम अली चवे, तो आवाज कटे भाई, कटी से भाई पुटा आवाज न पटक क्लियर आ, तू पंजो माइक चेक कर, क्लियर आ पटक क्लियर आ। ठीक है, मैंने CL4। अब कलर के कोड, डिफरेंट किस्म के कोड्स हैं, कलर के कोड्स मालूम करने हैं आपको, तो विनाइसिस की डेटाबेस के अंदर एक डेटाबेस फाइल होती है जिसका नाम होता है CDSMST, ये आप खोलेंगे तो इसके अंदर मेरे ख्याल में ये पिक्चर की है, ये इसकी है, इसके अंदर एक फाइल होती है जिसमें ये वाले लिखे हुए हैं। ठीक है, ये CDS के नाम से एक फाइल होती है, इसमें 0 फॉर ब्लैक है, 2 फॉर डार्क ग्रीन, 4 फॉर डार्क ब्लू, 6 फॉर सॉफ्ट ग्रीन, ये मुख्तलिफ किस्म के कलर्स के कोड्स हैं जो विनाइसिस इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे 1 फॉर डार्क रेड, ये इस्तेमाल करना है आपने कलर कोड, तो आप अपनी डेटाबेस को ओपन करके
ठीक है, ये मैंने कॉपी किया यहाँ से, इसको यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। ठीक है, तो आपके सारे आप वैल्यूज जो है आपकी हो गई ब्लूज में। ठीक है, अब सिर्फ एक मखसूस आथर की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। सिर्फ आथर को कलर करना है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ड्स को छोड़ देना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स। हम इस फॉर्मेटिंग को कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करेंगे इस तरीके से। ये मैंने आथर को 4 कलर दिया, 4 ब्लू कलर था, 2 डार्क ग्रीन था। ठीक है, कलर नंबर 2 दिया, इसको मैंने इनक्लोज कर दिया ब्रैकेट्स में। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और विनाइसिस के अंदर दोबारा से इसको पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इसका भी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि स्क्रीन सबको नजर आ सके। ठीक है, अब आथर को मैं जब क्लोज किया कलर्स के साथ, तो आथर का जो कमेंट्स था, लिटरल्स था, ये लिटरल गायब हो गया। अब लिटरल्स को कंडीशनल बनाने के लिए, स्टेटिक बनाने के लिए, डबल कोटेशन की जगह पर अगर आप लिखेंगे सिंगल कोटेशन मार्क, तो आपकी फॉर्मेटिंग के साथ जो है वो आपका वैल्यू शो होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें किताबों में, जो मैंने आपको किताब दी है उस किताब में लिखी हुई हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस कहाँ पर कैसे इस्तेमाल की जाएगी। ठीक है, जब मैंने आथर को सिंगल कोटेशन मार्क्स में इंक्लोज किया, तो यहाँ पर पहले आथर नहीं था, अब आथर आ गया। ठीक है, आथर का नाम को टेक नाम जो है आ गया। इसकी मैं फ़ॉन्ट साइज बड़ी करता हूँ ताकि नजर आ जाए। ठीक है, मैंने FS60 लिखा ताकि सबको नजर आ सके। ठीक है, अब आथर की वैल्यू जो है आपकी ग्रीन नजर आ रही है, बाकी सारे जो है रेस्ट ऑफ द वर्ड जो है ब्लैक्स हैं। मैं 60 कर दिया ताकि 60 बड़े हो गए, बहुत मैं 50 करता हूँ थोड़ा सा कम। ठीक है, अब दूसरा टाइटल की स्टेटमेंट को आपने कलर्स का चेंज करना है, तो सेम तरीके से आप क्या करेंगे कि टाइटल की वैल्यूज को इंक्लोज करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स में, तो कलर लिखेंगे, सपोज मैं कलर लिखता हूँ 5, कलर 5 V425 और कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब टाइटल की वैल्यू डबल कोटेशन मार्क्स में है, तो जब मैंने इसको इंक्लोज किया, तो ये आपके जो कमेंट्स वगैरह है, इसको मैंने यहाँ से पेस्ट किया, तो टाइटल आपका आ गया पर्पल कलर्स में। ठीक है, इसके मैंने फ़ॉन्ट साइज दोबारा से बड़े कर दिए, ये फ़ॉन्ट साइज बड़े हो गए। ठीक है, जो क्योंकि अब टाइटल जो है डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इंक्लोज है, तभी ये आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर टाइटल जो लिखा हुआ था वर्ड वो गायब हो गया। जब मैं इसको डबल के बजाय सिंगल कोटेशन मार्क्स में करूँगा कन्वर्ट, तो आपको नज़र आ जाएगा दोबारा से। ठीक है, मैं इसके फ़ॉन्ट साइज जो है 40 कर दूँ। ठीक है, ये कॉपी किया मैंने यहाँ से, कॉपी करने के बाद दोबारा से यहाँ पर उसको पेस्ट कर रहा हूँ ताकि टाइप न करना पड़े। ठीक है, आएगा टाइटल यहाँ पर, इसका कलर भी चेंज हो गया। इसी तरीके से किसी भी मखसूस फील्ड्स को आपने फॉर्मेट करना है, टाइटल पर्पल किस गया है के 245 इज अ टैग नंबर ऑफ टाइटल। टाइटल का टैग नंबर 245 है, 245 से पहले जो है मैंने लिखा CL5, 5 नंबर जो है वो पर्पल कलर का है। इस तरीके से अगर सब्जेक्ट्स को आपने कलर करना है, तो सब्जेक्ट्स का टैग नंबर जो है हम यूज करते हैं 650, तो 650 से पहले जो है अगर मैं लिखूंगा CL8 जो भी कलर होगा, और इसको मैंने इनक्लोज कर दिया कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो आपका सब्जेक्ट जो है उसका कलर भी हो जाएगा चेंज। ठीक है, अभी सब्जेक्ट का कलर जो है आपका ब्लैक है, तो इसको जब मैंने फॉर्मेटिंग किया किसी कोड के साथ, तो अभी यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, जब मैं इसको अप्लाई करूँगा कमांड्स को, तो ये ऑटोमेटिकली किट लॉगिन का कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट आपके
कंप्यूटर की स्क्रीन से गायब हो जाएगा बिकॉज सब्जेक्ट इज वाज इंक्लोज्ड इंक्लूड इन उसमें। ठीक है, ये आपका लाइट ग्रीन कलर का कोड है। ठीक है, एट को मैं चेंज करता हूँ 12 में, वाट एवर कलर इट विल बी। और मैं सब्जेक्ट को जो है यहाँ पर डबल क्वेश्चन के मार्क के बजाय सिंगल क्वेश्चन मार्क्स में इंक्लोज करता हूँ ताकि आपका सब्जेक्ट जो है स्क्रीन पर आ जाए। ठीक है, कॉपी किया इसको, विनाइसिस मैंने खोला और यहाँ पर मैंने इसको पकड़ दिया पेस्ट। ठीक है, आपका ये ग्रे कलर का बेटा रिमूव इसलिए हुआ जब मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की तो उस वक्त सब्जेक्ट्स के वो डबल कोटेशन मार्क्स में मैंने इंक्लूड किया हुआ था। ठीक है, अब मैं जब रिकॉर्ड्स को मूव करूंगा तो आपकी वैल्यूज जो है अलग अलग कलर्स में आ रही है। मैंने यहाँ पर कलर यूज किया है नंबर 12 और 12 को मैं 13 कर दूँ, मैं भी कलर जो है आपका हो जाए चेंज। ठीक है, इस तरीके से आपने ISBN नंबर को बोल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर ISBN नंबर बोल्ड अंडरलाइन है तो उसको बोल्ड अंडरलाइन करने के लिए 020 इज अ टेक नंबर ऑफ ISBN नंबर, इससे पहले कर्ली ब्रैकेट्स में बी फॉर बोल्ड आई फॉर इटालिक। ठीक है, ये मैंने लिखे और इसको मैंने दोबारा से इनक्लोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद हम गए विनाइसिस के अंदर, यहाँ पर मैंने इस टेस्ट को ख़त्म करके उसको दोबारा पेस्ट किया तो यहाँ पर आपका ISBN नंबर जो है लिखा हुआ है ऐसे नॉर्मल में। पुटर विनाइसिस में इन्हें करे होते फ़ॉन्ट साइज दाम नंदिया स्टूडेंट्स की नज़र नहीं अचे, इन्हें करे MS वर्ड में लिखा पे हो ताकि सभी की नज़र अचे। इतने लिखी सका तो पर इतने लिखने में सा कि नज़र नहीं दो कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन पे, इसलिए मैं वर्ड में लिख रहा हूँ ताकि वर्ड में फ़ॉन्ट्स बड़े हैं, ये बड़े फ़ॉन्ट सबको स्क्रीन पर नज़र आ सकें। यही चीज़ मैं यहाँ पर अगर लिखूँगा तो काफ़ी स्टूडेंट्स को नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है ना, जब मैंने ये फॉर्मेटिंग अप्लाई किया ISBN नंबर पर तो ISBN नंबर जो लिखा हुआ है डबल क्वेश्चन मार्क्स में लिखा हुआ है, इसलिए आपका ISBN नंबर यहाँ से गायब हो गया। ठीक है बेटा, ये आपका स्क्रीन पर गायब हो गया। तो इसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं सिंगल क्वेश्चन मार्क, तो ISBN नंबर को मैंने सिंगल क्वेश्चन मार्क्स में यहाँ पर इनक्लोज करूँगा तो आपकी वैल्यू जो है ISBN नंबर की आ जाएगी। ठीक है, बोल्ड भी है, अब यहाँ पर बोल्ड के साथ साथ अंडरलाइन भी था तो अंडरलाइन करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर UL फॉर अंडरलाइन। ठीक है, मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है अंडरलाइन हो गया। सही, अब ये लेटर्स जो है आपके सामने स्क्रीन पर कंप्यूटर स्क्रीन पर वैल्यूज चेंज हो रही है, यहाँ पर ये लेटर्स वैसे के वैसे नजर आ रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किए हुए हैं। हम आप याद करना पड़ा किताब मुताबिक मानो किताब में सब कोड लिखे लें। ठीक है बेटा, लिखा कोड कौन सफा इजी कोड्स हैं। ठीक है, अब जहाँ पर जैसे ऑथर्स की वैल्यू है यहाँ पर ISBN नंबर गायब नहीं है लेकिन उसके साथ कमेंट्स लिखे हुए हैं। मैं रिकॉर्ड मूव कर रहा हूँ, वैल्यूज है तो उसके साथ आपके कमेंट्स आ रहे हैं, वैल्यू है कमेंट्स आ रहे हैं। अब जहाँ जहाँ पर वैल्यू नहीं होगी वहाँ पर भी कमेंट्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर आथर आथर की वैल्यू नहीं है रिकॉर्ड में तो आथर के साथ ये कमेंट नज़र आ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगर जहाँ पर वैल्यू हो उसके साथ कमेंट नज़र नहीं आए, यू डोंट वॉन्ट टू शो the comments without the value, तो उसको change करने के लिए आपको letters को modify करना पड़ेगा single quotation marks के बजाय pipe sign के अंदर। जब आपने ये letters की value को ठीक है, ये मैंने letters लिखे हुए author, इस author की value को अगर मैं A U T H
वाह इस तरीके से लिखूं और इसको जो है मैं सिंगल कोटेशन मार्क के बजाय सिंगल कोटेशन मार्क के बजाय इसको मैं इनक्लोज करूं इस पाइप साइन के अंदर, ये करा दे पाइप साइन। तो भले बेटा आवाज मेरी बिल्कुल ठीक आ रही है सबको, आप अपने माइक को चेक करें, मेरे तरफ से बिल्कुल आवाज क्लियर है। ठीक है, ये आर्थर्स को मैंने इनक्लोज किया पाइप साइन में। इस तरीके से मैं टाइटल को इनक्लोज करता हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ सिंगल कोटेशन पाइप साइन। ठीक है, इस तरीके से मैं सब्जेक्ट को भी इनक्लोज करता हूँ पाइप साइन। ये पाइप साइन जो होती है आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कीबोर्ड के शिफ्ट के ऊपर होती है, आपका जो शिफ्ट का बटन होता है और इंटर का बटन होता है, इंटर के बटन के ऊपर जो है ये वर्टिकल दो डॉट्स होते हैं, इसको कहते हैं पाइप साइन। ठीक है, तो ये मैंने आपकी पाइप साइन चेंज की इन लेटर्स की वैल्यूज की। तो ये क्या करेगा कि जब किसी वेरिएबल फील्ड्स में वैल्यू होगी तो वो आपको लेटर्स शो करेगा, जब वैल्यू नहीं होगी तो वो लेटर्स शो नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर वैल्यू नहीं है आथर की, लेकिन आथर शो कर रहा है। आप चाहते हैं कि यहाँ पर वैल्यू नहीं है तो आथर भी शो नहीं हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जितने भी लेटर्स हैं वो सारे लेटर्स आप पेस्ट करेंगे इनके अंदर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी फॉर्मेटिंग के तहत जितने भी लेटर्स थे वो सारे लेटर्स गायब हो गए, क्योंकि आपने उसको इनक्लोज नहीं किया था। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इनको इनक्लोज करना पड़ेगा डबल कोटेशन उसमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, कि आपने कर्ली ब्रैकेट्स जो है सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ से स्टार्ट किए, तो आपको इसकी पूरी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब पूरी लाइन को आपने जो है करना पड़ेगा फॉर्मेट। पुटा आवाज अच्छे पैसा भी नहीं के बाबा, तो आपने माइक चेक के हो। बेटा आवाज अच्छे पे सभी के, हाँ बेटा अच्छे पे आवाज अच्छे पे। ठीक है, इस तरह के मुख्तलिफ किस्म की कमांड्स हैं इस विनाइसिस के अंदर, जिससे आप डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट जो है जनरेट कर सकते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। जिससे अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने किताबों के स्पाइन लेबल्स प्रिंट करने हैं, ठीक है, स्पाइन लेबल किताब के होते हैं ना बेटा, हमारे किताब के पीछे स्पाइन लेबल होता है, कि स्पाइन लेबल में क्या होता है कि पहले डी डी सी नंबर होता है, जैसे 0 to 0.256 डी टी सी नंबर होता है, उसके बाद आथर नोटेशन होता है, इसके बाद 2007 ईयर ऑफ पब्लिकेशन होता है। ठीक है, इस किस्म का हमारा होता है स्पाइन लेबल, जो हम किताब के
ठीक है, इस किस्म का स्पैन लेवल होता है हमारे बुक के पीछे पिच करते हैं। अब जाते हैं कि ऐसा स्पैन लेवल आपने प्रिंट करना है अपने डेटा का, तो स्पैन लेवल प्रिंट करने के लिए जैसे पहले यहाँ लिखा डी डी सी लिखा हुआ है, इसकी कोडिंग किस तरीके से करेंगे आप पी एफ टी के अंदर, तो पहले डी डी सी नंबर लिखा हुआ है, तो डी डी सी नंबर को प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पर इसके फोन साइज को बड़े करने पहले 45, ठीक है, वैल्यू आप 0202 सब फील्ड ए, ठीक है, डी डी सी का कोड नंबर है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आथर मार्क है, ठीक है, आथर मार्क को जो है एक्सटेंड करने के लिए हम लिखते हैं एस एस स्ट्रिंग, आथर के फर्स्ट थ्री वर्ड्स 1.3 वैल्यू ऑफ 100 सब फील्ड ए, ठीक है, ये आपके आथर के वर्ड्स आ गए। फिर नेक्स्ट लाइन पर वैल्यू ऑफ 260 सब फील्ड सी, सब फील्ड सी जो है हम यूज करते हैं इम्प्रिंट प्रेस ईयर ऑफ पब्लिकेशन के लिए, ठीक है। तो ये कोडिंग जो है मैंने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखी, तो यहाँ पर आपका एक स्पैन लेबल बन जाएगा, डीटीसी नंबर, आथर के तीन वर्ड्स और ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है। तो इसको आप अपने कंप्यूटर पर प्रिंट निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। अब आथर के तीन वर्ड्स जो यूज करते हैं हम लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में, तो कैपिटल लेटर्स में करने के लिए हम जो यूज करते हैं कोड एम एच यू, हम एम एच यू यूज करते हैं किसी भी वर्ड्स को, किसी भी स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करने के लिए। तो कैपिटलाइज करने के लिए मैंने एम एच यू लिखा बिफोर द आथर के तीन वर्ड्स में, देन तो आपकी आथर के तीन वर्ड्स जो है हो गए कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। तो ये आपके स्पैन लेबल्स जो है वो जनरेट हो गए, ठीक है। अब इनको स्पैन लेबल्स को आपने प्रिंट करना है अपने स्क्रीन पर, पेजेस पर, डॉक्यूमेंट्स पर, तो वो प्रिंट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि आप उसमें डेटाबेस पे जाएंगे, डेटाबेस पे जाने के बाद हम करेंगे प्रिंट पर क्लिक। बिना एम एच यू किसी भी स्ट्रिंग को, किसी भी वेरिएबल फील्ड्स के वर्ड्स को स्मॉल लेटर से अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, छोटी एबीसी से बड़ी एबीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम एम एच यू लिखते हैं, ठीक है। तो उसको आपको स्पैन लेबल प्रिंट करने है पेपर पर, तो हमने डेटाबेस में जाकर प्रिंट पर क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर कहेगा कि आपको क्या प्रिंट करना है, दो मिनट के बाद बेटा मीटिंग खत्म हो जाएगी, दोबारा रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। हमने कहा कि 100 रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं, तो मास्टर फाइल रेंज, नंबर रेंज 1 से लेकर जो 100 रिकॉर्ड्स हैं वो प्रिंट करने हैं। उसका आउटपुट चाहिए, प्रिंटर तो नहीं है तो हमें विंडोज़ की फाइल में इसका आउटपुट चाहिए, और इसका आउटपुट किस कोडिंग में चाहिए, ये जो कोडिंग मैंने कॉपी की थी वहाँ से यहाँ पर मैंने पेस्ट की, तो इस कोडिंग के हिसाब से मुझे एक 100 रिकॉर्ड्स का फॉर्मेट में प्रिंट चाहिए। जब मैं प्रिंट करूँगा तो पूछेगा कि आपका फाइल, आपका जो डेटा है किस फाइल में सेव हो, ठीक है। तो मैंने इसका फाइल नाम दिया लेबल्स, ठीक। तो ये आपके लेबल्स के नाम से विनाइसिस की सी ड्राइव में विनाइसिस के वर्क के फोल्डर में आपके ये लेबल्स के नाम से फाइल बन जाएगी, जिसको मैं ओपन करता हूँ नोटपैड में, ठीक है। आपके सारे स्पाइन लेबल जो है इस तरीके से जनरेट हो गए 100 कार्ड में। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन जनरेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट इन विनाइसिस, ठीक है, क्लियर। न पुटा वॉइस मुझे सब में किया था, आप जो हेडफोन चेक करो, बुटे व्या मीटिंग जगह खत्म थी, पहले मिनट में खत्म थी, वे तो दोबारा से शुरू कर सकते लेक्चर्स के।